हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई कैसे हो तुम सब? एक बार से तुम्हारा भाई नई प्रजाति के लोगों को लेकर आ चुका है जिन्होंने इंसानी की कर दिया सारी हद्दपार और बन गए हैं हैवान। वीडियो शुरू करता हूँ ऑन द स्पॉट, और चैनल पर अगर नए हो तो घंटा जरूर दबाना। कौन कहता है सिंगल लाइफ बढ़िया है? कौन कहता है सिंगल लाइफ इज द बेस्ट? भाई भाई साहब कहना क्या चाहता है? मुझे इसकी बातों पर शक और डाउट हो रहा है। और सब मुट्ठी मारकर जीता है। भाई यार इतना सच नहीं बोलना था यार, तूने सिंगल लोडो की घनी बेइज्जती कर दी है। सिंगल लोडो ने अगर ये वीडियो देख ली तो वो क्या सोचेंगे? भाई यो बात लाज थी और लाज लेने दो, सबको मत बताओ नहीं तो पोपट हो जाएगा। भाई यह बांग्लादेश का आविष्कारी जिसने बाइक बनाई है हायाबूसा। मतलब भाई लोग कहाँ से आता दिमाग, इतनी कलाकारी कहाँ से आ जाती है? भाई के पास ओरिजिनल हायाबूसा लेने के पैसे नहीं थे तो भाई ने बनाई नकली हायाबूसा, लेकिन ये हायाबूसा नहीं है, ये है हायाबूसा। मैंने गाली थोड़ी साइलेंट कर दी नहीं तो विवाद होने लगता ना। ये हायाबूसा ना है डुकाटी, ये है कट्टी। भाई जैसे इसकी बाइक है, अगर आगे एक कट आ गया तो ये मोड़ेगा कैसे? इसके बारे में कमेंट में जानकारी जरूर देना ताकि मुझे भी पता चले ये कैसे मोड़ेगा हैंडल अपनी हायाबूसा का। हायाबूसा सायं आया यो क्या सीन है भाई? आया मोहतरमा मुंह से बोलिए नाक से। इसने भाई साया का दिल तोड़ दिया, सामान में नहीं था दम, साया हो गई नाराज। अब वो ही आया करने लगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आगे चलते हैं, दो लाइन कमेंट में इनके बारे में जरूर लिखना। ऐसी प्रेम कहानी सबकी जम जाए तो अशांति ही अशांति होगी सब जगह। ये है भाई रोमन रिंग्स या रोमन का अंडकोश। मुझे भाई देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि रोमन रिंग ने कुछ ज्यादा ही हाथ खींच लिया है। मुट्ठी मारती है, शरीर कहाँ गया रोमन रिंग का? भाई रोमन रिंग नहीं है, ये है रोमन लिंक, रोमन का लिंक। इसकी बेल्ट तो देखो इसके जैसी। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता मुंह ढल के। इस जमाने में कैसे कैसे लोग आ गए, इनके मुंह में कोई सामान क्यों नहीं देता? मतलब हम चूतिया हैं, उल्टी पेंट इसने पहनी और ये फैशन है आजकल का। भाई ऐसी पेंट जो टॉप लेवल का छपरी होगा ना वो भी नहीं पहनेगा जैसी पेंट ये बनाई है। मैं महाशय से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक जिप होल लगा दो, दोनों टांगों के बीच। इसकी जिप कहाँ लगेगी? आ रही है। ओ, फ्लर्ट मत करो, शादी वाली बात करो, बाकी सब छोड़ो, ये लो मम्मी से बात करो। अबे मैं तिंदे। हेलो। अरे आंटी तुम क्या जानो? मामले की गंभीरता देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दो, फ्लर्ट बाद में भी कर लेना। किसी बच्चों की देखो क्यों इससे परेशान हो? अंकल जी आप दिन में कितनी बार मारते हो? इसे मुझको दे दो, आंटी बात को समझ। आगे चलते हैं। क्या मजबूरी रही होगी इसकी? हो गया सत्यानाश। क्या तुम सब वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में चल रहा है? यो कालिया तेरी जान ले लेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई हम। पैसा इज वेरी इम्पोर्टेंट, पैसे की ही अहमियत है, इंसान की नहीं। पूछती हूँ आपका नाम बताओ। माय नेम इज विवेक। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? माय हिंदी में बोल लो, कोई नहीं। ये हमारे देश का 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं।
डायमंड पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा। क्लास 8। और देश कब आजाद हुआ हमारा, इन्हें यही नहीं पता बालकों को। 15 अगस्त और 15 अगस्त। 15 अगस्त कब, कौन से ईयर में आजाद हुआ था? ऐसे लोग, ये लोग 4 साल बाद बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो जाएंगे और फिर सरकार को कोसेंगे। इसको कुछ याद नहीं दीदी, इससे मत पूछो अभी तो। अरे यार बोल दे बस, 2014 में आजाद हुआ था बस। हमारा गलती करे, हमें खाली इतना पता, जितना पता ही हमने बता दी। देखा भाई तुमने, इंटरव्यू इन दोनों से हो रहा है, पीछे लड़के कितनी तेजी से भागी, कहीं उनसे कोई सवाल ना पूछ ले। 1 2 3 भाई पूरा का पूरा हिंदुस्तान इसके मुंह में है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बस बस बस, मैं आजादी की वजह से चुप हूँ। हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, विदेश से लोग यहाँ आते हैं और इन टैलेंट को लेके चले जाते हैं। खेल में ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, नहीं तो विवाद हो जाएगा। और अब जाने का वक्त आ चुका, वीडियो करता हूँ समाप्त। लाइक शेयर घंटा जरूर दबा देना। तुम्हारा भाई नए नमूने लाता रहता है और इनकी खिंचाई करता रहता है, और मेरे साथ तुम भी इनकी खिंचाई करो गे ना। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नमूनों के साथ।